ये देखो इसको ऊपर करते करते डर भाई ऊपर उतर जा रहा है। ये ना हो कि डर भाई यहाँ पे लटका पाओ, इसको सेट कर। यार क्या किया तुमने, ये देखो हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? हमारे पीछे आप फाउंटेन देख रहे हैं यार, बहुत सारे भाई हमें कहते हैं कि यार फाउंटेन बनवा लिया है, इसको चलाएं तो सही। यार हमने देखना है तो यार फाउंटेन ना चलाने की वजह ये है कि हमने इसके अंदर पौधे लगाने हैं। और मेन वजह मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यार इतना ज्यादा गर्मी है, इन गमलों के अंदर ना फाउंटेन के जो गमले बने हुए हैं, प्लांटर बने हुए हैं, उनके अंदर मट्टी डालनी है। मट्टी डालेंगे कैसे डालेंगे? और एक वो प्लांटर है बहुत बड़े यार, ऊपर भी है एक, वो भी है और एक ये दरमियान में भी है और एक साइड पे भी है, इधर भी है। तो इन सब के अंदर मट्टी डालनी और मट्टी यार उठाना और उनको यहाँ पर शिफ्ट करना मट्टी को, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी। इस वजह से हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं कि यार मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, कभी बादल आ जाए ना यार, अभी भी बादल आ जाए ना हम अभी लेके आ जाएंगे, हम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यार गर्मी में फिर हम एक काम कर पाएंगे या इनको भरेंगे और या हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, ये चीज यार बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इस वजह से हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मौसम अच्छा होने का। तो आज ईद का दूसरा दिन है यार, दूसरे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, हम सोच रहे थे कि मौसम अच्छा होगा, ईद के दिनों में मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आज इतना ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने गोट फार्म बनवा लिया, रैबिट हाउस बनवा लिया, किचन बनवाया, फाउंटेन इसमें लगाया, कुछ नहीं है, सिर्फ रैबिट लेकर आए हैं, ना गोट, ना आपकी बतखें, ना आपकी फिशेज। यार सर सिर्फ जो वजह है ना मौसम की वजह, लेकिन आज हमने सोचा कि यार आज हम कुछ नया लेकर आते हैं। हम आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम अपने लिए, अपने सेटअप के लिए, आप सब के लिए क्वीन ऑफ फॉल्स लेकर आने जा रहे हैं। हाँ भाई शोर करती है क्वीन ऑफ फॉल्स, क्वीन ऑफ फॉल्स, हाँ शोर, यार ये सही कह रहा है सितन, शोर तो बहुत करती है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार क्वीन ऑफ फॉल्स शोर तो करती थी, लेकिन वो बड़ी क्वीन ऑफ फॉल्स शोर करती थी, छोटी क्वीन ऑफ फॉल्स कहाँ शोर करती है सितन? हमने सोचा यार, हाँ चिक्स, हमने सोचा यार हम चिक्स लेकर आते हैं, क्वीन ऑफ फॉल्स के चिक्स, वो जब तक बड़े होते हैं ना हम उनकी केयर करेंगे, और जो वो शोर मचाना शुरू कर देंगे ना हम उनको पका के खा लेंगे। पका के नहीं खाएंगे यार। तो अभी यार हम अपने मास्टर केज के मास्टर केज में रखे या उधर रखेंगे इनको? हम रखेंगे मास्टर केज, वॉशरूम भी है फिलहाल, फिलहाल फिलहाल मास्टर केज में, गोट फार्म में भी रख सकते हैं। गोट फार्म में चूजे चिक्स कैसे सेव रहेंगे? बिल्ली ले जाएगी भाई, बिल्ली भी ले जाएगी और निकल भी जाएंगे, वो तो तेज होते हैं बहुत, क्यों फल के चिक्स बहुत तेज होते हैं यार। और इधर हम मास्टर केज में एक और जगह भी है, इधर भी तो रख सकते हैं आराम से, मास्टर केज उनके लिए बेस्ट है यार सकते हैं। हाँ ये वैसे यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, खाली खाली सा है, तो सही रहे, कुछ नहीं। मुझे बहुत सारे भाई यार चिढ़ाते हैं ऐसे, कहते हैं यार इतना ज्यादा यार आपने चीजें बनवा ली खाली खड़ी हुई है, वो कुछ तो लेकर आए, तो यार लेकर आएंगे। मुझे भी, मेरा भी दिल करता है यार हम अपने सेटअप को भर दें, लेकिन मेन वजह ये है कि गर्मी है ना, हम इसलिए नहीं रख रहे, गर्मी में यार वो मर जाते हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा सब्र से तहमुल से काम ले रहे हैं। चलो आज तो फिर भी लेने जा रहे हैं ना, हाँ आज यार चिक्स लेने जा रहे हैं, अल्लाह करेगा वो पल जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं यार और जाते हैं आज हम अपने सेटअप पर क्वीन ऑफ फॉल्स चिक्स लेने, और आई होप हमें अच्छे लगेंगे और आपको भी अच्छे लगेंगे, बहुत मजा आएगा। तो चले दोस्तों चलते हैं। तो यार सूरज अपने पूरे जोश खरोश से चमक रहा है और अपनी पूरी हीट जो है ना यहाँ पे फेंक रहा है सारी हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा गर्मी है। और तुराब पता नहीं कब से हमने बुलाया हुआ, उसको आ नहीं रहा तुराब, हम बाइक पे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं, आओ भाई जल्दी चले, और आ गया आ गया आ गया, गर्मी है यार, रेस कौन देगा? तुम दे दो, ब्लॉग तो बनाना है। तो यार हमारी बाइक तो हो गई पंचर, हम सारे उतर गए और सिप्तान अब दूसरी बाइक लेकर आया है, तो हम इसके ऊपर बैठने वाले हैं और चलो चलो चले आ जाओ। तो यार अब हम जा रहे हैं अपने क्वीन ऑफ फॉल्स के चिक्स लेने, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो और यकीनन आप भी बहुत ज्यादा, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो बस दुआ यही कर रहे हैं कि यार दुकानें खुली हुई हो, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन में खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती, बस दुआ यही कर रहे हैं हम। चलो चलते हैं। तो यार हम मार्केट पहुंच चुके हैं और दुआ यही कर रहे हैं कि यार खुली हुई हो, लग रहा है कि खुली है, लग तो रहा है खुली हुई है, लेकिन दुकानें बंद हैं, कितने हैं यहाँ पर, बाइक खड़ी कर दो और बंद है, तकरीबन बंद है, कितने हैं क्या करें, तो
उम्मीद की किरण फिर भी है कि कोई ना खुला होगा, तो देखते हैं यार के क्या सिचुएशन बनती है। काफ़ी हद तक दुकानें बंद हैं, ये वाली खुली हुई है और वहाँ उस साइड वाली सारी बंद है। हम एक एक करके पूछेंगे दुकानों पे यहाँ पे है या नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं, लग मुश्किल रहा है यार हमें। भाईजान चकोर मिल जाएंगे? गुना फॉल्स है, ये गुना फॉल है नहीं, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, चकोर है, टर्की। अच्छा टर्की बर्ड, अच्छा ये टर्की बर्ड है, तो आप ये देखें इसकी गर्दन लंबी होती है। अरे शॉप पे तो चकोर नहीं है, गुना फॉल्स, तो आगे चेक करते हैं कि हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। और तो यार ये देखें यहाँ पे ईद की छुट्टियाँ मना रहे हैं और परिंदे इनके बेचारों के अकेले हैं। देखो यहाँ पे एक मरा भी हुआ है, मुर्गा या मुर्गी है, ये देखो बंद करके चले गए पीछे। सही बात है, उसका ख्याल नहीं रखा होगा, बीमार होगा बस वो मर गया होगा। ये तो आप ये तो वाइट यूनिकॉर्न है, बड़े हैं, शोर करते हैं भाई, बड़ी हैं ये, इसे भी छोटे लेने हैं भाई, मैंने न्यू बॉर्न चिक्स लेने थे छोटे छोटे। यार तुराब वैसे ये दुकान भी बंद है, लेकिन उन्होंने यार बहुत गलत किया, इनको बंद करके ऐसे चले गए, मरे हुए हैं वो। ये देखिए ये है तुर्की बर्ड्स, बड़े बड़े, और देखिए वो जो हमने चूजे देखे थे उनको देख के कौन कह सकता है कि ये ऐसे होंगे बड़े होके। तो इधर गया हुआ तुराब, मेरे ख्याल में इसने ढूंढ लिया। हाँ तुराब मिले, इधर भी बड़े हैं यार। तो यार ये है मार्केट का एंड, यहाँ पे ख़त्म हो जाता सब। ये देखिए यहाँ पे डक्स भी हैं, यहाँ पर ये वाली डक्स हैं यार, पता नहीं कौन सी, नाम नहीं आता हमें। हाँ ये डायनासोर की तरह डक लग रही है मुझे, ये प्यारी है यार। तो यार हमें लगता है कि हम गलत दिन आ गए हैं, ईद के दिन आ गए हैं, तो दुकानें अक्सर जो है ना बंद हैं और हमें मिल नहीं रही यार, यू नो फॉल्स जो हम चाहते थे वो नहीं मिल रही। तो फिर भी निकाली नहीं, अब यार मैं बाइक की चाबी निकालना भूल गया हूँ। खड़ी है यार, ओए ओए यार चाबी भी लगी हुई है भाई। तो यार हमने पूरी बर्ड मार्केट जो है ना विजिट कर ली है, लेकिन हमें चकोर नहीं मिला, वो छोटे वाले, बड़े तो थे, बड़े लेने थे तो आपने कहा था नहीं लेने। तो यार जिस शॉप पे हम सबसे पहले आए थे ना, वो ये शॉप थी जहाँ पर थे हमारे ये तुर्की चिक्स, जिनको मैं समझ रहा था कि मुर्गी के असील मुर्गी के बच्चे हैं, लेकिन ये तुर्की चिक्स हैं। आप देखें इनकी गर्दन देखें क्या करते हैं, तो आपको मैं कहता हूँ कि हम यही ले लेते हैं। देखते हैं भाई वो मानता कि नहीं मानता, क्योंकि हम लेने तो कुछ और आए थे, पर दिल आ गया इन पे मेरा। कोई सही बात है, ठीक है ये देखो यार, ये तो बिल्कुल ये वही है, वही है भाई, ये तो गुना फॉल के चिक्स हैं भाई। लेकिन यार ये दुकान बंद है, हम गलत दिन आ गए। मैं कह रहा था जो हमने शुरू शुरू में देखे ना तुर्की बर्ड्स, उसी के हम चिक्स ले लेते हैं, एक पेयर ले लेते हैं। हाँ भाई वैसे भी वो नहीं मिल रहे हमें, हम ये ले लेते हैं, इनका हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे जो है ना हमें मिल जाएंगे गुना फॉल के चिक्स। तो आज हम तुर्की बर्ड्स ले लेते हैं और चिक्स जो है ना गुना फॉल के हम कल ले लेंगे या इसके बाद ले लेंगे चौथे दिन। इसको पकड़ के ले जा रहा हूँ यार मैं, इसका क्या पता दिल आ जाए। देखो हाल क्या, तो जाना नहीं हमने, यही ले लेते हैं। देखो ये भी हैं और यहाँ पे भी हैं, बहुत सारे हैं। तो यार अब हमने डिसाइड किया है कि हम गुना फॉल चिक्स की बजाय तुर्की बर्ड्स लेकर जाते हैं, क्योंकि गुना फॉल चिक्स एक जगह पर मैंने देखे हैं वो दुकान बंद है, और खाली हाथ तो हमने जाना नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेकर तो लाजमी जाएंगे, तो अभी मौका अच्छा है। तुर्की बर्ड्स कभी वैसे सोचा नहीं था कि हम रखेंगे, लेकिन आज देख लिया है तो चलें जी ले लेते हैं। चलो और चलो लेते हैं यार, ये आँख खराब है इसकी, एक्सकी ये नहीं लेते ना, ये सही लग रही है, और वो वाला जो अच्छा लगे ले लो आप, ये नहीं बताया। अब ये बता देना अगर कोई हम बीमार बता रहे हो ना, आप बता देना भाई ये बीमार है ये ना लो, मुझे लग रहा है कि कोई मसला है। हाँ अच्छा बीमार है ये, बारिश होती ना तो नीचे पड़ती है, देखा ना। अगर हम बड़ा साइज देख रहे थे लेकिन भाई ने हमें बता दिया कि भाई ये बीमार है आप ना ले, क्यों करें फिर आप, ये तो बहुत छोटे हैं हमें, जैसे पहले आप दे रहे थे ना यहाँ से, यहाँ से आपको जो भी बंद करो भाई, आप उठा के दे अपने दिल से, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं ना, हमें नहीं पता। फाइनली हमने जो है ना तुर्की बर्ड्स ले लिए हैं फर्स्ट टाइम, टर्की बर्ड्स, उर्दू में तुर्की हो गया और इंग्लिश में टर्की बर्ड जी। किस में लेके जाओगे, कि बॉक्स वगैरह ले लो ना? नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें यार इसमें कैसे लेके जाएंगे, मसला होगा। मास्टर केज में रखेंगे ना, बिल्कुल सेफ रहेंगे, वहाँ पर ना बिल्ली का खतरा, ना गर्मी का खतरा,
ना कोई और खतरा, ना भागने का ना कहीं, सही रहेगा, हम कर लेंगे मुझे लगता है। तो यार चलते हैं अब घर और इनको छोड़ते हैं अपने असली घर में जहाँ पे इनका इंशाल्लाह आगे की जिंदगी गुजरेगी। चलते हैं, चलो चलो। यान क्या लाए हम? क्या है जैसे पता है आपको? चिक्स। किसके? कौन से चिक्स हैं ये? आपको भी दिखाऊं? मुझे भी। नहीं, नहीं, हाथ में नहीं लेने। गुस्सा हो जाते हैं ये, कैसे मारते। चलो आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ सारे, आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर चलो, चलो 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 चलो। अभी इनको ऐसे रख दो, थक जाएंगे जैसे पकड़ा हुआ तुमने, इसके अंदर रख दो फिलहाल, नहीं जंप नहीं करेंगे। जंप कर भी सकते हैं। तो यार व्हाइट वाला हमारे ख्याल में ये मेल है और ये वाली फीमेल है, हमें नहीं पता ये खाते क्या हैं। मेरे ख्याल में यार ये मुर्गियों की तरह इनकी डाइट होती है तकरीबन, मुझे ऐसे मेरे इल्म में है थोड़ा थोड़ा। तो बस इनको अब यार हम मास्टर केज में शिफ्ट करते हैं, ये हमारे मास्टर केज में रहेंगे, हमारे मास्टर केज में शायद ये सेफ रहेंगे, क्योंकि तुर्की बर्ड का मुझे नहीं पता ये मुर्गियों की तरह पक्के होते हैं या नहीं होते, अपने घर में वापस अपनी मर्जी से आते हैं या नहीं आते। तो अभी हम इनको पकड़ते हैं और देखते हैं यार सितारे खाते हैं या नहीं खाते। अभी तो स्ट्रेस में है यार, वहां पर भी स्ट्रेस में थे, इनको कुछ घंटे कुछ दिन लगेंगे अपना घर बनाने में। और मादा थोड़ा थोड़ा चुगने की कोशिश कर रही है और ये घास खा रही है जो हमारे इस मास्टर केज में उगी हुई है। और मेरे ख्याल में सीखते हैं ये अब सही हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। हाँ हाँ जी, चले यार तुर्की बर्ड्स हमारे घर आ गए, हमारे सेटअप पर आ गए और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम लेने तो गुइना फॉल्स के चिक्स गए थे लेकिन वहाँ पर गुइना फॉल्स के चिक्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से हमें ये वाले नए परिंदे लेने पड़े। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर मिद्यात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।